राजस्थान के बीकानेर जिले से पुष्करणा ब्राह्मण हैं रवि पुरोहित जी। इनके प्रश्न हैं, प्रणाम करते हुए ये प्रश्नों को रख रहे हैं कि मेरे प्रश्न हैं कि जनेऊ, यज्ञोपवीत और उपनयन संस्कार तीनों एक ही हैं क्या या अलग अलग हैं? और दूसरा, जनेऊ भी तीन तंतु फिर छह तंतु या नौ तंतु के पहनने का कोई विधान आशय है क्या? तीसरा प्रश्न है कि पूर्व काल में स्त्री भी जनेऊ धारण करती थी ऐसा सुना है, और दुर्गा उपनयन नाम से, तो क्या यह सत्य है? और अगला प्रश्न है, और ऐसे कौन से कर्म हैं जो बिना जनेऊ के नहीं किए जा सकते? और आगे कह रहे हैं, और क्या जनेऊ सभी वर्णों के लिए है या सिर्फ विप्र के लिए है? ऐसे इनके प्रश्न हैं। देखिए, ये प्रश्न सार्वजनिक हैं, बहुत से लोग इन प्रश्नों को पूछा करते हैं। देखिए, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार या वैदिक संस्कार, संस्कारो वैदिकः स्मृतः भगवान मनु, तो ये सभी एक ही संस्कार के नाम हैं। देश विशेष से कोई यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, कोई जनेऊ संस्कार कहते हैं, कोई उपनयन संस्कार, कोई वैदिक संस्कार कहते हैं। इनमें कोई भी अंतर नहीं है, तीनों एक ही संस्कार है। आपने आगे लिखा है कि किस अवस्था को क्या कहते हैं। भले आप ये पूछना चाह रहे होंगे कि इन तीनों वर्णों के किस किस अवस्था में यज्ञोपवीत होते हैं, तो आप दोनों ही सुनिए, किस अवस्था का क्या नाम है तथा किस वर्ण का यज्ञोपवीत किस अवस्था में होता है। भगवान मनु ने इसको स्पष्ट किया है कि 8 वर्ष की अवस्था में मुख्य रूप से और 16 वर्ष पर्यंत ब्राह्मणों का उपनयन होता है, और 12 से 24 तक क्षत्रियों का होता है, 16 से 32 तक वैश्यों का होता है। ये तीन वर्णों का ही यज्ञोपवीत होता है, चौथे के लिए उन्होंने लिखा नहीं है। तथा अगर कोई ब्रह्मवर्चस्व की कामना करते हैं तो 5वें वर्ष में भी, 5वें वर्ष से ही ब्राह्मणों का उपनयन हो सकता है, अथवा गर्भ से भी 5वें वर्ष में, तो और ही 4.5 ही लगभग 4 वर्ष से ही ये संभव हो जाता है, यदि वो बालक प्रबुद्ध है और उसके अभिभावक संरक्षक तत्पर हैं तो तत्समय पर भी यज्ञोपवीत हो सकता है। 5वें वर्ष से भी यज्ञोपवीत की अनुमति शास्त्रों में दी गई है। आगे आप कह रहे हैं कि जनेऊ भी 3 तंतु का, 6 तंतु का या 9 तंतु का पहनने का विधान है, क्या ये इसका क्या आशय है? तो देखिए, यज्ञोपवीत जो है वो ब्रह्मचर्य अवस्था में एक ही यज्ञोपवीत होता है, एक यज्ञोपवीत 3 धागे वाला, क्योंकि यज्ञोपवीत में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं, उसके अंतर्गत फिर 3 और फिर 3 होते हैं, ऐसे है। पूरा एक धागा देखेंगे तो उसके अंतर्गत 9 तंतु होते हैं, इसीलिए 9 तंतुओं का पूजन होता है यज्ञोपवीत पूजन में, और फिर उसको त्रिगुणा कर लेते हैं, और मूल जो धागा होता है उसको त्रिगुणा और फिर त्रिगुणा करके फिर 3 लड़ वाला यज्ञोपवीत बनाते हैं। तो सामान्य रूप से ऊपर से देखने पर 3 तंतु का यज्ञोपवीत दिखाई देता है, तो उसको एक यज्ञोपवीत कहते हैं, उसकी एक ग्रंथि होती है। तो ब्रह्मचर्य अवस्था में एक यज्ञोपवीत होता है, फिर वह गुरुकुल में गुरु जी की सान्निध्य में रह करके वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है। इसके बाद जब उसको जो है अब स्नान करने की इच्छा होती है, यानी कि विद्या पूर्ण हो गई, एक वेद पढ़ करके, 2, 3 या 4 वेद पढ़ करके, एक वेद का सांगोपांग अध्ययन करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं, तो 12 वर्ष तक रहे वहाँ अध्ययन करे,
अथवा फिर 24 तक रहे, या फिर जैसी जैसी जिसकी शक्ति सामर्थ्य तब तक वहाँ रह करके फिर गुरु जी से अनुमति लेकर के स्नान करता है, स्नातक बन जाता है, यानी तब उसका जो है समावर्तन संस्कार होता है। तो गृहस्थाश्रम से जो व्यक्ति है तो वो पहले समावर्तन पूर्वक उसमें प्रवेश करते हैं। जैसे ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी गुरु जी के यहाँ अध्ययन कर रहा है, वो सीधे ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करेगा, शास्त्र उसको अनुमति नहीं देते हैं। तो ब्रह्मचर्य को पूर्ण करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए अधिकारी होना, ये जो है समावर्तन संस्कार होता है। मुख्य रूप से जो भी उसने विद्याध्ययन किया है उसको पूर्ण करके गुरु जी से अनुमति लेकर के स्नान करके और गुरु जी को इच्छित दक्षिणा दे करके और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए गुरु जी से अनुमति लेकर के अपने घर जाता है, ये संस्कार है। तब उस समय उसका एक यज्ञोपवीत और उसको पहनाया जाता है, तो दो यज्ञोपवीत हो जाते हैं। फिर विवाह में अलग से यज्ञोपवीत करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग, जैसे आपने दुर्गा यज्ञ की जो है चर्चा की है अपने प्रश्न में, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ऐसा हमने सुना है गुरुजी से कि वहाँ के लोग, देखा भी है वर्तमान में कि अभी कहीं भी विधिपूर्वक उपनयन संस्कार बहुत कम हो रहे हैं, पूर्ण रूप से हो नहीं पाता है। तो वे लोग जब बालक का विवाह होने लगता है तो किसी शक्तिपीठ में या भगवती के किसी भी मंदिर में ले जाते हैं और वहाँ पुजारियों से या जो है पुरोहितों से और कुछ यज्ञोपवीत वैसे ही पहनवा देते हैं, बोले ये दुर्गा यज्ञोपवीत हो गया, यानी कि दुर्गा जी की सान्निध्य में यज्ञोपवीत हो गया, दुर्गा उपनयन हो गया, ऐसा करके चले आते हैं। तो अब जिन बालकों का उपनयन हो चुका है विधिपूर्वक, भाग्यवशात कहीं जहां भी हो गया है, उनका फिर जो है उपनयन करवाते हैं, ऐसा फिर आवश्यक नहीं है। और वो भी कोई शास्त्रीय नहीं है कि दुर्गा उपनयन कोई शास्त्रीय हो, कहीं शास्त्र में लिखा हो, ऐसा नहीं है। वो तो एक अभाव में, चलिए कुछ नहीं हुआ तो चलो किसी देवता की सानिध्य में किसी ब्राह्मण के द्वारा उपनयन पहनवा दें, बस ये एक लकीर का फकीर मात्र है, तो ये क्रिया करते हैं। यद्यपि यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत होना चाहिए। ध्यान दें, हमारे यहाँ कई संस्कारों की चर्चा है, 11 संस्कारों से लेकर के और 48 संस्कारों तक गृह सूत्रों में चर्चा है। उनमें से सभी संस्कारों में सबसे मुख्य संस्कार जो है वो उपनयन संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, इसको तो विधिवत ही कराना चाहिए, ये बिल्कुल जो है शास्त्र की अनुमति है। तो दो तीन तंतुओं का उपनयन ब्रह्मचर्य अवस्था में, फिर गृहस्थ आश्रम की जो है अनुमति लेने के लिए ये जो संस्कार होता है समावर्तन संस्कार, तो उससे फिर 6 तंतुओं का यानी 2 यज्ञोपवीत धारण करते हैं। तो यज्ञोपवीते द्वे धारिये श्रवते स्मारते च कर्मणि, भगवान कात्यायन कहते हैं कि यज्ञोपवीत 2 धारण करना चाहिए, यानी 6 तंतु वाला यज्ञोपवीते द्वे धारिये, कहाँ पुत्र, बोले श्रवते श्रौत कर्मों में, स्मारते च, श्रौत कर्म करना हो या स्मार्त कर्म करना हो तो 2 यज्ञोपवीत अनिवार्य हैं, यज्ञोपवीते द्वे धारिये श्रौते स्मारते च कर्मणि। और तृतीय मुत्तरीयार्थे, यदि कोई उत्तरीय नहीं डालता है तो शास्त्रों में उसको नग्न अवस्था का बतलाया गया है। तो यदि यज्ञोपवीत उसके पास में उत्तरीय नहीं है तो वो तीसरा यज्ञोपवीत भी पहने, 9 तंतु का भी यज्ञोपवीत वो व्यक्ति पहन सकता है। तो यज्ञोपवीते द्वेधारिये श्रौते स्मारते च कर्मणि तृतीय मुत्तरीयार्थे वस्त्राभावे तदिष्यते या वस्त्राभावे चतुर्थकम्, ऐसा भी पाठ है। और केवल जो है लंगोटी लगा करके रहता है, कॉपीन पहन करके, नीचे का जो है अंतरीय वस्त्र भी नहीं पहनता है, तो वो 4 यज्ञोपवीत धारण करे, ऐसा भी विधान, यानी 12 तंतु का। मुख्य रूप से ये उत्तरी के लिए तो सर्वत्र ही विधान है, तो उत्तरी नहीं हो तो तीसरा उपनयन भी धारण करे, तीसरा यज्ञोपवीत भी धारण करे, 9 तंतु का, सामान्य रूप से 2 यज्ञोपवीत। तो वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि वर्तमान में ब्रह्मचर्य अवस्था में तुरंत एक यज्ञोपवीत पहना करके और फिर सद्य ही तुरंत ही उसका समावर्तन संस्कार कर देते हैं।
तो उसको दो यज्ञोपवीत धारण करवा देते हैं। फिर जब भी विवाह हो तब तक वह पढ़ता रहता है, क्योंकि गुरुकुल में निवास करके ब्रह्मचर्य अवस्था के नियमों का पालन करके भिक्षा अटन करके फिर भिक्षा को बना करके फिर खाए फिर वेदाध्ययन करे, ऐसी परंपरा अभी वर्तमान में नहीं देखी जाती है और लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि वो इस प्रकार जीवन यापन कर सकें, ऐसे नियमों का पालन कर सकें। इस दृष्टि से वो तुरंत ही उनका समावर्तन संस्कार कर दिया जाता है। तो यज्ञोपवीत फिर उसको दो ही पहना दिए जाते हैं। तो यज्ञोपवीत पहनने का हमारे यहाँ क्रम एक यज्ञोपवीत, दो यज्ञोपवीत, तीन यज्ञोपवीत और चार यज्ञोपवीत भी पहनने का शास्त्रों में विधान है। और यज्ञोपवीत ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का तीन वर्णों का ही होता है। आपने आगे ये भी पूछा था कि उपनयन संस्कार के बिना कौन कौन से कर्म किए जा सकते हैं, तो स्मार्त कर्म जो पौराणिक कर्म है, पौराणिक कर्मों को उपनयन के बिना भी किया जा सकता है। जिनका उपनयन नहीं होता है वे करें, क्योंकि स्पष्ट कहा गया श्रीमद् भागवत में कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए और द्विज बंधु उनको ही कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनको उपनयन का अधिकार था और उन्होंने उपनयन नहीं कराया तो उनको कहा जाएगा द्विज बंधु। तो वे जो है द्विज बंधुओं को वैदिक कर्म करने में कोई भी अधिकार नहीं है। त्रयीन श्रुति गोचरा, श्रुति में श्रवण कथन पठन मनन आदि में उनका और यजन में किसी का भी उनको अधिकार नहीं है। और आपने ये भी कहा हुआ था कि उपनयन ब्राह्मणों के लिए ही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो कई बार इसका आवर्तन हो चुका और पीछे भी मैंने बताया कि स्त्रियों के लिए उपनयन नहीं है, शूद्रों के लिए, चतुर्थाश्रमियों के लिए भी नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही उपनयन के अधिकारी हैं। इस बात को कई पोस्टों में कहा जा चुका है और कई ग्रंथों में कई कई बार इस बात को इसीलिए लिखा गया कि किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम न हो, और बार बार इस बात को कह करके बिल्कुल दृढ़ कर लेना चाहिए कि उपनयन अवश्य कराएं अधिकारी जन, और अनधिकारी लोग वो उसमें प्रवृत्त न हो। यही शास्त्रों का मंतव्य है, यही वेदों का मंतव्य है, यही भगवान मनु का और यही मानव धर्म है। हर हर महादेव।